नमस्कार, भव्या सरी न्यूज से मैं नूपुर। काफी दुखद खबर, बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर के जरिए यह संदेश दिया है। न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज कराकर वह सितंबर में भारत लौटे थे और सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहा करते थे। कल बुधवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज उनका यह दुखद संदेश सुनने को मिल रहा है। कल इरफान खान की मृत्यु के सदमे से भारत उबर भी नहीं पाया कि आज यह संदेश भारत को रुला दिया। आज पृथ्वीराज कपूर परिवार का एक और सितारा अस्त हो गया। अभी उन्होंने अपने बेटे रणबीर कपूर की शादी भी नहीं कर पाए हैं। मालूम हो कि लॉकडाउन के कारण रणबीर की शादी रुक गई है। ऋषि कपूर की पहली फिल्म मेरा नाम जोकर, जिसमें वह अपने पिता राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया था, वैसे उनकी पहली फिल्म बॉबी थी, जिसमें अभिनेत्री थी डिम्पल कपाडिया। कभी न भूलने वाला फिल्म बॉबी पर्दे पर आते ही आते तहलका मचा दिया और देखते ही देखते ऋषि कपूर लोगों के दिलों में अपना घर बना लिए। उनकी हर एक फिल्म यादगार हुआ करती थी, लेकिन उनकी कुछ चुनिंदा फिल्में जैसे प्रेम रोग, दीवाना, चांदनी, नागिन, कभी कभी, प्रेम ग्रंथ, कर्ज, सरगम, दामिनी, बोल राधा बोल आदि, उन्होंने लगभग 123 फिल्मों में अपना अभिनय का जलवा दिखाया है। उनकी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिंह, इन दोनों की शादी बॉलीवुड का एक यादगार विवाह था जिसे लोग सदियों सदियों तक याद रखेंगे। अभिनेत्री नीतू सिंह के साथ इन्होंने अनगिनत फिल्में की हैं। ऋषि कपूर दुनिया को सदैव याद आते रहेंगे, वह तो अमर है, इतिहास लिखा है उन्होंने अपने जीवन का। दुनिया की यही रीत है, कोई आता है कोई जाता है, इस पर किसी का बस चलता नहीं। उनके पिता की फिल्म तीसरी कसम का यह गीत, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, सत्यता की निशानी है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम भव्याश्री एवं दुनिया की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।